नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे, खबर है राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश को केंद्र से सौगात मिली है। मध्य प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात मिली है। 23 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 1814 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी। CRIF योजना के अंतर्गत सड़क बनाई जाएगी। CM शिवराज ने नितिन गडकरी का आभार जताया है। डबल इंजन की सरकार विकास करने में जुटी है। 600 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण होना बड़ा कदम है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि डबल इंजन की सरकार विकास करने में जुटी है। 600 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण होना राज्य के विकास में एक बड़ा कदम है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश को केंद्र की सौगात मिली है, बड़ी सौगात मिली है, 23 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। देखिए, CRIF योजना के तहत ये पैसा मिला, 1814 करोड़ की स्वीकृति हुई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। इसके बाद इसमें 600 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा और ज्योतिराव सिंधिया के अनुरोध पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को इसके तहत स्वीकृति मिली है, जिसमें ग्वालियर के सोनरेखा नाले पर 6.5 किलोमीटर लंबी IIITM से लेकर रानी लक्ष्मीबाई समाधि तक जाने वाली 4 लेन एलिवेटेड सड़क के लिए 406 करोड़ का निर्माण के लिए अनुमति मिली है, जिससे पूरा वहाँ पर ग्वालियर में जो ट्रैफिक की समस्या उसका काफी हद तक निदान हो जाएगा। उसके साथ ही भीतरवार पहरिया चिनोर की सड़क, चितोली रानी घाट और रानी घाट मंदिर की सड़क, इन सब सड़कों के लिए भी पैसा मिला है। जी बिल्कुल मनोज जी, बेहद ही अच्छा कदम है ये और प्रयास है, साथ ही साथ बड़ी अच्छी सौगात है, क्योंकि इस पूरी ये जो परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही इस पर CM शिवराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास करने में जुड़ी है और ये 600 किलोमीटर की लंबी सड़क निर्माण होना प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम होगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी इसमें बड़ी रकम मिल रही है, बड़ी राशि कह सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर सौगात मिली है, बड़ी सौगात केंद्र ने दी है। 23 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और 1814 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी।